हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। चलिए बात करते हैं जरा सलमान खान साहब की, नहीं रेस 3 की नहीं करेंगे, केवल सलमान की बात करेंगे और सलमान के साथ संजय दत्त की बात करेंगे। सलमान का नाम अक्सर कंट्रोवर्सीज के साथ रहता है, बॉलीवुड का बैड बॉय कहा जाता है, लेकिन एक किताब पढ़ रहा था और ये किताब है यासिर उस्मान की, वो वाली किताब जो संजय दत्त की बायोग्राफी है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड्स बैड बॉय संजय दत्त। इस किताब के शुरुआती पन्नों को मैंने पलटा ही था कि उसमें मुझे लिखा हुआ दिखता है कि संजय बॉलीवुड के असली बैड बॉय थे, असल में सलमान खान से पहले संजय दत्त ही थे। जी हाँ, यही लाइन मेरे दिमाग में खटकती है और सवाल पैदा होता है कि क्या सलमान खान ने संजय दत्त को कॉपी किया है? क्या सलमान ने अपनी छवि भी उस तरीके से बनाने की कोशिश की जैसे संजय रहे? संजय ने अपनी छवि बनाई नहीं, वो जैसे थे वैसा अपने आप को प्रेडिक्ट करते थे, बताते थे, वैसे ही वो रहते थे। इसीलिए एक बार जब इस किताब के राइटर यानी कि यासिर उस्मान ने संजय से मुलाकात में पूछा कि जब आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखते हैं तो उसमें ऐसा क्या है जिसको आप बदलना चाहेंगे, संजय ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि कुछ भी नहीं बदलना चाहता। उन्होंने तत्काल जवाब दिया था इस बात का, वो कहते हैं कि अगर मौका मिले तो मैं ये जिंदगी फिर से जीना चाहता हूँ। जी हाँ, संजय को अपनी जिंदगी का कोई अफसोस नहीं है, उन्हें ये जरूर लगता है कि हाँ मेरी जिंदगी इंटरेस्टिंग रही। और संजय की इसी जिंदगी को जीने की कोशिश 80 और 90 के दशक के बाद कई बॉलीवुड सितारों ने की है। अब यासिर ने ये संजय और सलमान वाली बात किस सेंस में कही आपको मैं पूरा सब कुछ बताता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। वो कहते हैं कि संजय बॉलीवुड के असली बैड बॉय थे, असल में सलमान खान से पहले संजय दत्त ही थे। संजय एक तरह के आदर्श थे, अग्रदूत थे, दूसरे लोगों ने इस मामले में उनका अनुसरण किया यानी कि उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया था 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में और 1990 के दशक के आरंभिक यानी शुरुआती वर्षों के दौरान वो मानो मर्दानगी के प्रतीक बन गए थे। एक दमदार मर्द की छवि थी उनकी और संभवतः बॉलीवुड के अकेले स्टार थे जिनका नाम ड्रग्स, बंदूक, लेदर जैकेट्स, फड़कती भुजाएं, लंबे बाल, शराब नोशी, सिगरेट और पार्टियों का पर्याय बन गया था। वो अपनी असंख्य प्रेमिकाओं को लेकर बहुत खुले हुए थे और भारत के छोटे शहरों में बेहद लोकप्रिय थे और उनके सबसे बड़े जो फॉलोअर्स थे, प्रशंसक थे, फैंस थे, वो पुरुष थे यानी कि मेल्स थे जो उनके मर्दाना व्यक्तित्व की नकल करते थे, उन्हें कॉपी करते थे। संजय की छवि ने डायरेक्टर्स को इसके लिए प्रेरित किया था कि वो ऐसी भूमिकाओं के लिए संजय को चुने जो उनके असली जीवन का एक प्रतिबिंब हो, एक छाया हो। और इसी के बाद ये बात भी उठती है कि क्या 80 और 90 के दशक के बाद जब कई बॉलीवुड सितारों ने संजय को कॉपी करना शुरू कर दिया था, अपनी मर्दाना छवि दिखानी शुरू कर दी थी, तो क्या सलमान ने भी वही किया? क्या वही कंट्रोवर्सीज, वैसी ही खुली जिंदगी, शिकार करना, नशा, पार्टी, एक्सीडेंट, गाड़ी चढ़ा देना, ये कहीं ना कहीं उन चीजों से मिलता जुलता है जब एक बंदा किसी और बंदे को कॉपी करने की कोशिश करता है। बहरहाल ये सिर्फ एक सवाल है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर लगता है कि सलमान अपने शुरुआती दौर में तो ऐसे नहीं लगते थे, पर अब के दौर में उनका ये एटीट्यूड, वो चलना, वो चेहरे का गुस्से वाला एक्सप्रेशन, वो मर्दाना व्यक्तित्व, दबंग अंदाज क्या कहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।